कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साफ साफ प्रूफ करती कि निंजा हथौड़ी केमची का असली बाप है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये वारदात केनिची के जन्म से 11 साल पहले की है, जब निंजा हथौड़ी अपने गांव में रहा करता था। केनिची उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। निंजा हथौड़ी का कुत्ता शिशिमारु उसके गोटों में टेस्टिकल कैंसर हो गया था। निंजा हथौड़ी अपने कुत्ते शिशिमारु से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इन दोनों ने काफी बार संभोग भी करके रखा है। ये पापी दुनिया एक कुत्ते और एक निंजा के प्रेम को कभी भी नहीं समझेगी, मगर निंजा हथौड़ी अपने कुत्ते से इतना प्यार करता था कि उसके टेस्टिकल कैंसर का इलाज करने के लिए वो केनिची के शहर चले गया। निंजा हथौड़ी को वहाँ पर शिशिमारु के गोटे का इलाज तो मिल गया, मगर डॉक्टर ने उनसे ये कहा था कि ये इलाज बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। निंजा हथौड़ी इस बात से बहुत ही परेशान और हैरान था कि अब वो इस शहर में रहेगा कैसे। उसकी जेब में ना तो पैसे थे और साथ में एक ऐसा कुत्ता दोस्त था जिसके गोटे में बहुत दर्द हो रहा था। और तब निंजा हथौड़ी को दिखती है केनिची की मम्मी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 का वेट करना।